राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट के मुंबई माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष सिराज अहमद ने अपना जन्मदिन बड़े ही सादगी और आम जनता की सेवा करते हुए मनाया। सिराज अहमद ने सीनियर सिटीजन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाकर उनकी सहूलियत पर ध्यान देने का सराहनीय काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीमार अस्पताल में बेजान पड़े मरीजों का हाल लेने सिराज अहमद अपनी पत्नी और कार्यकर्ताओं के साथ राजावाड़ी अस्पताल पहुंचे और मरीजों में फल बांटने का नेक काम रमज़ान के पहले दिन से शुरू किया और उन सभी के बीच अपना जन्मदिन मनाया। वहीं रमज़ान के पाक महीने में सभी की अच्छी सेहत की दुआ की। सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों बहनों को, हमारे देशवासियों को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। एक बहुत पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और कल से रमज़ान के रोज़े शुरू हो गए और ये महीना साल में एक मरतबा आता है गुनाहों की मगफिरत के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, एक दूसरे के एहसासात को समझने के लिए कि मैं मेरे घर में तो खा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भूखा है तो उसके पेट में जो भूख लगती है और भूख किसे कहते हैं, तकलीफ किसे कहते हैं, ये उस रब्बुल आलमीन ने सबके लिए एक निजात का महीना बना के भेजा है। इसके लिए सबके लिए सबसे पहला सबको, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए कैसा है, इस अस्पताल के लिए हम लोग ने बहुत सारे काम किए हैं सबसे पहला, और ये हमारे मेरे घर से नज़दीक है मेरे, और हमारा नियम भी ऐसा है कि पहले अपने घर से शुरुआत करो कोई भी अच्छे काम की, तो पहले अपने घर से, अपने फिर मोहल्ले से और अपने रिश्तेदारों और फिर समाज में जाते, तो ये हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल है तो यहाँ पर आना, यहाँ कुछ काम करना हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या मैसेज? बस आज की जो बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू और मुस्लिम का राग अलाप रही है उससे लोगों को निजात मिलनी चाहिए, लोगों ने उसको समझना चाहिए, क्योंकि हर धर्म सच्चाई, मोहब्बत और प्यार का बात बताते हैं, उसका हर धर्म में प्यार का ही और मोहब्बत का ही, एकजुटता का ही मैसेज मिलता है, तो हम सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे के दुख और तकलीफ में हमेशा आगे रहना चाहिए। सर वाढ़दिवस निमित्त आम लोग समाज सेवा करना चाहिए, आम संधि भेटलेली आहे, त्याच्याकरिता आम्ही फल फ्रूट वाटतोय। हमारे सिराज भाई का जन्मदिन है और इस खुशी में सिराज भाई ने यहाँ के मरीजों के लिए फल फ्रूट लेकर आए हैं और इनके यहाँ इन्होंने धर्म जात पात नहीं देखा और हर पेशेंट के लिए इन्होंने अपनी तरफ से आज इनके जन्मदिन के मौके पर ये फ्रूट बांटने का प्रोग्राम किया है और इससे पहले भी कई बार इन्होंने राजावाड़ी में इस तरह के प्रोग्राम किए हैं और इसके साथ साथ वार्ड नंबर 124 में भी ऐसे कई प्रोग्राम इन्होंने किए हैं। उस वक्त इन्होंने जाति पात धर्म कुछ नहीं देखा। इन मैं लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, पर्वत बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। इसके वजह से हम लोगों ने फल फ्रूट सब बांटने का काम किए हैं, इसके पहले भी इन्होंने कई बार काम किया है और आगे भी करते रहेंगे और हम लोग मिलजुल करके सब काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, भाई भाई सब लोग मिलके एक साथ काम करेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। ये वाटर का काम क्या है और हमेशा करते रहते हैं एरिए के अंदर भी, यहाँ भी और उस वार्ड में भी, और ये हमेशा हर काम में करते रहते हैं सिराज भाई। दरअसल हम लोग हर साल, हम मेरे जो मेरे चाहने वाले मेरे भाई बहने हैं, इन लोगों का एक रहता था कि हम लोग प्रोग्राम अच्छा बनाना चाहिए, बर्थडे अच्छा सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, खाने वगैरह का, ये ऐसा बड़े बड़े बैनर लगाने का, होर्डिंग लगाने का, उसमें हम लोग लाखों रुपये ऐसे ही वेस्ट करते थे। इस मरतबा इन लोगों से मैंने कहा कि हम लोग ये जो लाखों रुपये हम लोग डाल देते हैं जो बैनर पोस्टर में, लाख लाख रुपए, सवा लाख, दो लाख रुपए जाता है, फिर खाने का और दूसरा हॉल का, फिर फटाकरे का, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारे रहता है, तो हम लोग क्यों ना इस मरतबा ये जो फजूल एक तरीके से मैं समझता हूँ खर्च होता है बैनर पोस्टर में, जो दो तीन दिन में, चार दिन के बाद, आठ दिन का तो वेस्टेज होता है, मीनिंग निकल जाता है उसका, तो क्यों ना इस मरतबा हम लोग ये बैनर पोस्टर ना लगाते हुए
हम लोग इस पैसे से हमारे जो भाई बहन जो हॉस्पिटल में एडमिट है या जो उसके हकदार है उस पैसे के उन तक उसको उनकी मदद पहुंचाई जाए, उनको कुछ राहत मिले। तो इन लोगों ने एक बार पे हमारा मेरा साथ दिया और हामी भरी लब्बैक कहा, और इसलिए मैं सबसे तमाम बहनों का, हमारे भाइयों का, सबका शुक्रिया कहूँगा कि इन्होंने एक मेरे एक सोच के ऊपर पूरा खड़े उतरे और सब लोग ने मिलके बिल्कुल सादगी से बर्थडे मनाया, सेलिब्रेशन किया। और ये काम में भी आज सुबह से लगे हुए हैं, फ्रूट्स वगैरह ला के इसको पैकिंग करके अभी बांटना भी है। तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे आगे बांटने का भी। इसके लिए सबसे पहले मैं इन तमाम भाइयों का, मेरी बहनों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन लोगों की वजह से आज मेरा पहली टाइम एक बर्थडे बिल्कुल सादगी से हमने मनाया। इसके लिए सबका शुक्रिया।